नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। सेवराई तहसील के देवकली गांव में आज दोपहर हाईटेंशन का तार टूटकर गिर जाने के चलते खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे दर्जनों किसानों की करीब 25 बीघा खेत जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से आग लगी है। आग लगी की घटना से गुस्साए किसानों ने ताड़ीघाट 12 मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसानों ने पुलिस प्रशासन की एक भी नहीं सुनी। किसानों ने कहा, जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता तब तक चक्का जाम खत्म नहीं होगा। सूचना पाकर भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने जर्जर तार जल्द से जल्द बदलवाने और पीड़ित किसानों को 15 दिन के अंदर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। मौके पर पहुंचे सेवराई के तहसीलदार मोहन लाल ने बताया कि इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है, इसलिए इसका मुआवजा बिजली विभाग देगा। हवा में टूट के गिरा लिया, हवा में टूट के गिरा लिया, लाइन रह लिया नहीं, लाइन आई लिया सवेरे करीबन 10 बजे के बाद, तब लाइन आई है। ये आसपास कितने जो खेत है, कितना जरा होगा अंदाज लगाने पर ना, बताइए बताइए। पिछले ऊपर करें 20 बीघा जरूर। हमारी मांग यही है कि आज कम से कम, जब से बिजली 40 साल हो गया, बिजली का तार खींचा आज तक तार बदला नहीं गया है, और कागज में 8 बार तार बदला चुका गया है, 11,000 और तार सिर्फ 10 फीट के ऊपर है, 10 फीट के ऊपर तार है, और ये 5 साल से जल रहा है। कर्मचारी से मांग करने पे पैसा मांग रहे हैं और तार बदला नहीं जा रहा, और ये 5 साल से जल रहा है। आप लोग क्या मांगे हैं? मांग हमारी है कि हमारा मुआवजा मिले और तार टाइट हो जाए, वहाँ एक पोल की कमी है, पोल कट जाता है। 5 साल से ये समस्या है, ये समस्या दूर हो, बाकी और कुछ नहीं। विगत 5 साल से ये समस्या चल रहा है, लोग आश्वासन देके ये काम हो जाता है। ठीक, क्या कराएंगे? देखिए, विधायक जी से भी बात हुई, SDM सेवराई से भी हमारी बात हुई है, और किसान को अधिक से अधिक जितनी भी मुआवजा हो सके 15 दिन के अंदर भुगतान कराया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जर्जर विद्युत तार की वजह से आए दिन आगलगी की घटना हो रही है, और साथ ही खेत में काम करने वाले मजदूरों को भी जान का खतरा रहता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए बिजली विभाग से बात हुई है, संबंधित एक्सियन और SDO से, कल जो जर्जर तारे हैं उनको बदल दिया जाएगा, और जो पूरा और जो तार लूज है उसको टाइट करा दिया जाएगा। घटना के पीड़ित किसानों को किस तरह की मुआवजा आपके तरफ से दी जाएगी और क्या किया जाएगा? हमारे राजस्व विभाग की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बिजली विभाग से आग लगी, बिजली विभाग की तरफ से मुआवजा मिलेगा। क्या आपके लेखपालों द्वारा इसकी कोई सर्वे वगैरह भी की जाएगी या नहीं की जाएगी? लेखपाल आ रहा है सर्वे करने। ब्यूरो रिपोर्ट, MMC न्यूज, गाजीपुर।